बाकी जितना बिल्डिंग है ना वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। देखिए ना पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कभी लोग न रह रहा है। ये सब रास्ता कैसा रहता था, ये जब बनवाए हैं तब रास्ता कितना चौड़ाई है और कितना अच्छा बनने लगा है। अब आप लोग अगर चाहिएगा तो एकाध वो आप लोगों को भी दे देंगे, चिंता मत ये कहता है सबका तो विरोधी है वो तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना, आप तो खुद को आपको जानना चाहिए कि रात दिन हम क्या काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बेली रोड पर बना कबूतर खाना, जिसे ऑफिसर्स फ्लैट भी कहते हैं, उसकी जगह पर अब एक नया भवन बनेगा और ये भवन अत्याधुनिक होगा। इसमें जो हम आपको बताते चलें कि ये कई मंजिला बहुमंजिला ये जो इमारत है इसके तोड़कर और फिर से नया इमारत बनाया जाएगा, जो इससे भी ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा फ्लैट जिसमें बन सकें उस तरह का बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें और ज़्यादा लोग रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें एकोमोडेशन हो सके, उसकी तैयारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ्लैट दिया जाएगा। उन्होंने तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि अगर पत्रकार भी चाहेंगे तो उन्हें भी इसमें फ्लैट दिया जाएगा। तो कबूतर खाना जो बहुत प्राचीन समय से बना हुआ है पटना के बेली रोड में, इस समय वो नया म्यूजियम जो है उसके ठीक सामने जो बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है जिसे कबूतर खाना कहते हैं, जिसे ऑफिसर्स फ्लैट भी कहते हैं, उसकी जगह पर नया बहुमंजिला इमारत बनेगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों को मकान मिल सके, घर मिल सके, इसकी तैयारी बिहार की सरकार कर रही है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बारे में क्या कुछ कहा, हम पहले आपको वो सुनाते हैं, सुनिए जरा। इसका भी अब आगे एक तरह बनवाएंगे भाई, जितना है ना ये बहुत बहुत ऊंचाई का और बहुत सुंदर बनेगा। आज जितने लोग इसमें रह रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा लोग रहेंगे, तो हमारे जितने स्टाफ है वो सब लोगों को और रहने का सुंदर जगह बन जाएगा। तो ये सब कुछ खूब अच्छा बनाएंगे और इधर से एक जगह ले जा करके 4-5 किलोमीटर का एक रास्ता 6 किलोमीटर का बनवाएंगे, ताकि यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आते हैं तो जाके वहाँ पर भी रहेंगे एलिवेटेड ऊपर से। ये सब भी हमारी इच्छा है शुरू से यहाँ का। और बाकी जितना बिल्डिंग है ना वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। देखिए ना पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कभी लोग न रह रहा है, तो जितना है सब रहेगा और बाकी जितना लोगों को रखना पड़ेगा रखना। आप देखिएगा इसका बनना शुरू हो जाएगा, आप बोल रहे लोगों को बार बार फोन करो और 2-3 साल का टारगेट रखो, अब बनवा देगा तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर लगेगा। आप देख रहे हैं ना पहले कैसा लगता था, ये सब रास्ता कैसा रहता था, ये जब बनवाए हैं तब रास्ता कितना चौड़ाई है और कितना अच्छा बनने लगा। तो उसी तरह से एक एक चीज़ को खूब सुंदर बना के हर लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप लोग अगर चाहिएगा तो एकाध वो आप लोगों को भी दे देंगे, चिंता मत। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आजकल काम नहीं कर रहे हैं और आप तो रोज निकल रहे हैं सब जगह देख रहे हैं। ये कहता है सबका तो विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना, आप तो खुद को आपको जानना चाहिए कि रात दिन हम क्या काम करते रहते हैं। चलिए हम आपको ये बताते चलें कि नया म्यूजियम से लेकर और पुराने म्यूजियम तक भीतर भीतर एक रास्ता बनाने की बात भी नीतीश कुमार ने कही थी और उसकी भी तैयारी चल रही है। तो बिहार में खास तौर पे बिहार की राजधानी पटना को चमकाने की वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। इस बार भी उन्होंने कहा कि काम तो सिर्फ हम ही करते हैं, दूसरा कौन करता है, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसे सुंदर बना दिया है और जब ये बन जाएगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब नीतीश कुमार ये जो कुछ कह रहे हैं ये सब क्या चुनाव को लेकर उसकी तैयारी है या सचमुच में कुछ नया बनने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, लाइव बिहार पर हर अपडेट, हर जरूरी खबर सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।